हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JSSC CGL का सीरीज चल रहा है हम लोग का, जिसमें आज हम लोग का मतलब 15वां क्लास होने वाला है ना, सीट 15। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कोर्ट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या बोला है कि जीवन में कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे दौड़िए, है ना। जीवन में आप कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भी दौड़िए। मतलब आपके पास यदि काबिलियत है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कामयाबी तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन काबिलियत जो होती, जिसमें जिसके अंदर रहती है, वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, सेट 15 आज का क्लास हम लोग का रहने वाला है, जिसमें हम लोग का टारगेट है क्या, 60 में 60, यानी कि 60 में 60 लाने का टारगेट है। ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे सवाल को, अच्छे से आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक चीज़ आप लोग के लिए, ये हम ट्रिपलेट्स यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप लोग को दे रखे हैं, जिसमें आप लोगों को क्या है कि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एक और है आपका क्या है कि 9, है ना, एक हो जाएगा 9, 40 और 41, ये भी आपका ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो इसी का देखिए, 3 का मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6, 8, 10 आता है, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 12, 15 आता है। मतलब इसी तरह से आपका ट्रिपलेट्स क्या रहेगा, चेंज होते जाएगा। बस ये सब सारी क्या है, बेसिक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये ऑड नंबर के हिसाब से और इवन नंबर के हिसाब से दो पार्ट में ये डिवाइड है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला है कि 625 के पावर 0.14 इंटू 25 के पावर 0.22 का मान ज्ञात करें, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है, इसको 25 के पावर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, 25 के पावर आप क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 25 का स्क्वायर के पावर कितना हो सकता है, 25 25 से 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 0.14 और इंटू आ जाएगा 25 के पावर कितना हो जाएगा, 0.22। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 के पावर कितना हो जाएगा, 14 दुना 28 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 0 पॉइंट, है ना, 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो आप यहाँ से करेंगे 0.28 इंटू 25 टू द पावर 0.22। और 25 जब बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होता है, पावर का एडिशन कितना हो जाएगा, 28, और ये 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, और 20 आपका 50 आ जाएगा, 0.50 आएगा। और एक्चुअल में ये है क्या, तो एक्चुअल में ये है आपका 1/2 है, तो 1/2 क्या है, रूट है 25 का, तो 25 का रूट कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ये उनके लिए है जो बेसिक से जानना चाहते थे, और डायरेक्ट जो कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर है ये, है ना, तो 14 दुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 25 25 आपका 25 के पावर डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे, 28 और 22 आपका कितना होता है, 50 हो जाता है। आप जानते हैं कि 0.5 एक रूट होता है, तो 25 का रूट कितना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो ये सवाल डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक से ये बना सकते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, बोला कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल 7 योग, यानी 7 का योग प्राप्त होने की प्राय संभावना क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे यदि आप सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखिए, और फिर से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है आपका। अब बताइए, कुल 7 योग आना चाहिए आपका, तो किसमें किसमें आएगा, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका, तो यहाँ से बना सकते हैं 1 6 को जोड़ेंगे तो आपका 7 आएगा। ठीक है, इवेंट निकाल रहे हैं, और क्या क्या आएगा, तो 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 2 5 आ जाएगा, फिर 2 3 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 3 आएगा,
मतलब सात आपको लाना है, ठीक है? फिर क्या आएगा, पाँच दो आएगा, फिर छः और एक आएगा, और कोई सेवन आने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, तीन तीन छः हो जाएगा, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ इवेंट बट्टन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट छः है और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 36 है, तो 1/6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर थ्री बोला है कि क्या, कि 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के गोलक को इतना सेंटीमीटर लंबा तार बनाना है, तो उसको पिघला करके बनाया जाता है, तो तार की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे बोला है कि गोलक, यदि हिंदी से नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्फेयर यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा स्फेयर है, इसको गला करके एक तार बनाया जा रहा है। इस तार की लंबाई दे रखी है कितना, 729, और इसका रेडियस पूछ रखा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है? इसका त्रिज्या दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो आप इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, तो पाई आर क्यू, आर क्यू मतलब 27 × 27 × 27 हो जाएगा, आर क्यू है, ठीक है? तो 27 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आप इसका आयतन लिखेंगे तो πr² और h, πr² h, ठीक है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कहता है πr² h होता है, तो h कितना है, तो 729 है, कितना है, 729 है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आप देख रहे हैं तो 27 का स्क्वायर है, 7 × 7 = 49, है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये बताए थे हम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताए थे इसका स्क्वायरिंग का, कि 7 × 49 और सभी को गुना कर दीजिए, 7 × 14 × 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 32, बाकी 3 और 2 × 4 और 3 = 7। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 27 का स्क्वायर है, तो ये 27 का स्क्वायर है और ये 729 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। केवल आर का स्क्वायर आपको चाहिए, रेडियस चाहिए, तो आर का स्क्वायर आपका आ गया है यहाँ पे 9 × 36, तो 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, आर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर फोर। सवाल नंबर फोर क्या बोला है, कि सेक ए इज इक्वल टू 13/5 है आपका, ठीक है? तो देन 1 + sin A / cos A का वैल्यू क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो ना, प्लस या फंक्शन में ज़्यादा उलझन वाला सवाल आ जाए, तो बस इसी को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से देखिए, एक तो ट्रिपलेट से आप पता कर लेंगे कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स है यहाँ पे, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स है, ठीक है? पूरा ट्रिगोनोमेट्री यदि रेशियो से रिलेटेड है तो आप ट्रिपलेट्स यूज करेंगे, और यदि एंगल से रिलेटेड है तो α + β = 90 के रूप में यूज करेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल जब बोलेगा तो α + β करना है, और जब ये आपका रेशियो का सवाल रहेगा मतलब साइड का, तो आप ट्रिपलेट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 1/cos A और +sin A/cos A, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये 1/cos A क्या हो जाएगा, sec A हो जाएगा, और +sin A/cos A क्या हो जाएगा आपका, tan A हो जाएगा। sec A का वैल्यू दे रखा है आपका 13/5 दे रखा है, और tan A का वैल्यू पूछा है, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि sec A का वैल्यू क्या होता है, h/b होता है, ये h है और ये क्या है आपका, b है, तो tan का क्या होता है, p/b होता है, तो p/b होता है, तो b यहाँ पे 5 ही होगा, और p कितना हो जाएगा आपका, 12 होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 13 + 12 आपका 25/5 होगा, 25/5, मतलब ये कट सकता था लेकिन नहीं काटा, 25/5 में ही आंसर रखा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत ही अच्छा सवाल है। वो रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी का, और बोला है कि डी और ई डी, डी ई डी और ए डी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए,
सॉरी यहाँ पे एंगल होगा है ना, एंगल होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है एक एंगल दिए। चलिए एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो ऐसे फिगर में देखने से ही बन जा रहा है ये पता चल जा रहा है कि एक्स का ही वैल्यू पूछा जाएगा यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पे ये 37 है, तो ये जेड बना रहा है कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो ये जब 37 है तो ये भी क्या कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और हम बताए थे कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी पिछले सब पीछे सवाल में ही बताए थे, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल से रिलेटेड बात करें, एंगल से रिलेटेड बात करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री करना है आपको। तो यहाँ पे वही चीज़ कॉन्सेप्ट आ गया, ये 90 है आपका, 90 को छोड़ दीजिए, इसको और इसको प्लस करके 90 के बराबर कर दीजिए, मतलब एक्स आपका अल्फ़ा हो गया और 37 आपका बीटा हो गया, और ये दोनों मिला करके कितना होगा, 90 होगा। तो आप 37, 90 में 37 को घटा देंगे तो एक्स का वैल्यू आपका मिल जाएगा, और पूरा भी घटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 दे रखा है कि 10 में 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 दो ऑप्शन में है ना, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो 37, तो सबसे पहले क्या करिए कि 30 को घटाइए, ठीक है। सबसे पहले 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, 60 में फिर 7 को घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है यहाँ पे। तो घटाने का भी तरीका होता है कि 90 में आप 37 को घटा रहे हैं तो सबसे पहले 30 को घटाइए, तो 90 में 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 60 में फिर से 7 को घटा देंगे तो आपका 53 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बड़ा है लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो तुरंत ही चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बोला है कि एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और शिखर पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका ज़मीन हो गया, इस पर एक मीनार खड़ी है ना, इस पर एक मीनार खड़ी है। अब बोल रहा है इसका हाइट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। शिखर तथा पाद है ना, मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब इसके पाद से यहाँ से ये बना बोल रहा है कि ये आपका 45 डिग्री होगा और यहाँ से आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है इस तरह से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 होगा, और ये पूरा कितना है आपका, 60 है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक 90, ये तो 90 हमारा है, तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये 1 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 45 है तो इसका 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जब ये 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जब ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 मीटर। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, 60 लेंगे एंगल, तो 60 के सामने वाला कितना होता है, रूट थ्री होता है। तो रूट थ्री जो बोल रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, नीचे तक, पूरा नीचे से ऊपर तक है 60, क्योंकि बड़ा सा ट्रायंगल है ना ये। अब ये वाला कितना होगा, मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो मीनार की ऊंचाई होगा रूट थ्री में, पूरा में हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो आपका ये हाइट आ जाएगा, मीनार की ऊँचाई आ जाएगा। अब देखिए ये भी 40 है, इसको भी 40 से गुना करेंगे तो आपका जो हाइट आ जाएगा टोटल है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मीनार की ऊंचाई कितना है, 40 है, और इसका हाइट कितना है, ये तो 1 का वैल्यू जब 40 है तो रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 40 रूट थ्री माइनस 40, तो यहाँ पे 40 को कॉमन लेंगे तो रूट थ्री माइनस 1 आपका आंसर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए सवाल ऐसे बनाना चाहिएगा तो बहुत लंबा सवाल बनेगा, लेकिन इस तरीका से बनाइएगा तो तुरंत सवाल बन जाएगा। ये समझाने के लिए हमें इतना समय लगा, लेकिन 45 45 90 है तो ये 40, ये 40 और ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा पूरा, और ये एक का वैल्यू कितना है आपका, रूट थ्री माइनस 1 है, तो 40 कितना हो जाएगा, 40 रूट थ्री माइनस 1, 40 रूट थ्री माइनस 1 डायरेक्ट आंसर बन जाएगा सवाल, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7। बोला है कि इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक है, इकाई अंक। चलिए इकाई अंक, तो इकाई अंक बताए थे हम पिछले क्लास में कि आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे डिजिट हैं।
जिसमें हम लोग 0 और 1 को फिक्स करते हैं और 5 और 6 को, क्योंकि इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। ठीक है, 4 और 9 के लिए हम लोग ऑड इवन का प्रयोग करते हैं, है ना, और ये जो बच गया उसके पावर को 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 3 है और 7 है, तो 3 के पावर जो भी रहेगा इसको 4 से विभाजित करेंगे और शेषफल लिखेंगे। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो 3 के पावर, 3 का निकाल रहे हैं, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 65 है, तो 64 ये कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 7 का इकाई अंक निकालेंगे तो 7 के पावर कितना है, 71 है, 71 को 4 से भाग दे देंगे तो ये इसका शेषफल कितना आ जाएगा, जो शेषफल आता है उसी को ऊपर में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 7 से इसको काटेंगे, ये 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में ये जाएगा आपका, आपका हो जाएगा देखिए 74 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 9 × 7 = 63 और 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63, आने की 3। तो इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे इकाई अंक दोनों का मिल गया, अब किसका है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो इसका इकाई अंक 3 है 7 का, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 3 × 9 अर्थात 6 × 18 का 8 × 3, 8 × 24 का 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8 क्या बोला है कि एक गैर वर्ग समचतुर्भुज ABCD के कोणों एंगल ए एंगल बी का अनुपात आपका 4:5 है, तो एंगल सी का माप क्या होगा। वर्ग समचतुर्भुज बोला है, ठीक है, गैर वर्ग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है कि आपका एक रोम्बस होता है, रोम्बस की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और इसमें एंगल ए और एंगल बी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, एंगल ए एंगल बी सी डी। अब बताइए एंगल ए आपका कितना है, 4x है, एंगल बी कितना है आपका, 5x है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी होता है, तो ये भी 4x होगा। यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, ये कंडीशन होता है किसका, रोम्बस का, यानी कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से कौन कट रहा है, तो 50 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 80 कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ट्रिक से भी यहाँ पे देख सकते थे कि यदि एंगल ए का वैल्यू 4 है तो एंगल सी का भी वैल्यू आपका 4x होगा, और 4 से पूरे ऑप्शन को काट के देखेंगे, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, फाइंड 4th प्रोपोर्शन ऑफ दिस, जैसे सीजीएल में पूछा था, नगर पालिका में पूछा था, ऐसा सवाल मतलब एक ये JSSC एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, 4th प्रोपोर्शन निकालना है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, और आपको डी पूछ रखा है इस तरह से। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आप फर्स्ट दो वाले को पहले डिवाइड करिए, तो आ गया 0.48 और 0.84 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स ले लेते हैं 4th टर्म। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, 12 × 7 = 84 और 12 × 4 = 48, 4 से काटेंगे तो 8, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 56, 8 × 7 = 56। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप 9 का सही आंसर है आपका 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल 10 नंबर सवाल क्या है, ताश के पत्तों की गड़ी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। एक ताश का गड्डी है जिसमें इक्का निकाल रहा है, इक्का आपका कितना होता है, तो इक्का जो है आपका यहाँ पे एस जो होगा वो कितना नंबर है, 4 कार्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है इसका, तो 4 है।
तो आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोला है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो 1/13। 1/13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, आने की 1/13 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ऐसे हर सेट में हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल एक एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, एक बहुभुज से आपका सवाल रहेगा ही। बोला है कि यदि n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण इसके प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, और किसी किसी को रटा गया होगा कि इसका आंसर कितना होगा ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऐसे। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए क्या कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ठीक है, तो आंतरिक कोण हमेशा बड़ा होगा, ये चीज़ फिक्स कर रखिए। ठीक है, हाँ, मतलब पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में आपका आंतरिक कोण बड़ा होता है किससे, तो बाह्य कोण से। ठीक है, बाह्य कोण को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या देगा, एक स्ट्रेट एंगल देगा 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रखा है, n का मान पूछा है ना, तो बाहरी एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बट्टा सॉरी, एक्सटीरियर एंगल ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बट्टा n होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर दे रखा है। आप इससे काटेंगे तो 6 से ये 36 कट जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, हाँ, और ये ऐसा हेक्सागोनल में ही होता है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि आपका है ना, ये रट, यदि आप रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, यदि नीचे आपका ये अंदर 60 है, ठीक है, तो बाहर का एंगल कितना होगा, 30 होगा, ये 120 होगा, ये 120 है तो बाहर का एंगल कितना होगा, 60 होगा, तो ये हर 120 होगा, ये 60 होगा, मतलब बाहर वाला कौन 60 है और अंदर वाला कौन कितना है, 120 है। ठीक है, दोनों मिला करके कितना होगा, 180 होगा, और एक दूसरे का डबल है। ठीक है, मतलब 60 का डबल 120 है। चलिए तो अगले सवाल की शुरू करते हैं, सवाल नंबर 12। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप बोला है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ आर्क। एक आप बनाएंगे सर्कल, सबसे पहले इसमें बोला है कि इसका रेडियस दे रखा है और इसके बीच कौन एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये लंबाई पूछ रखा है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ये लेंथ पूछ रखा है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ही टोटल लंबाई होता है इसका, इस सर्कल का, यदि हम लोग ए से लेकर के पूरा राउंड करें तो इसका पेरीमीटर ही लंबाई होता है, और ये क्या होता है, तो 2πr होता है। लेकिन क्या हमें 2πr चाहिए, टोटल टोटल नहीं चाहिए, कितना पार्ट चाहिए, तो ये 60 पार्ट चाहिए, 60 डिग्री एंगल, तो करेंगे 60 डिग्री बट्टा 360, मतलब इतना ही पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंथ निकाल सकें, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग क्या कि 2 × 22 / और ये 42 × 60 से एक बट्टा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग 6 × 7 = 42 से 42 कट गया तो 44 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। टोटल लेंथ हम लोग का 2πr है, यदि हम लोग ए से शुरू करें और फिर ए पर पहुँचे तो 2πr है ये टोटल लेंथ, लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें रेशियो में चाहिए, कितना पार्ट चाहिए, तो 60 बटा 360 में चाहिए, क्योंकि 60 पार्ट चाहिए और टोटल कितना है, 360 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, 44 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 13, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष रहते हैं, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिए दे तो शेष क्या रहेंगे। पिछले क्लास में ऐसा सवाल किए थे, ट्रिक हमारा क्या होगा, इसका जो शेष बचता है, जिससे भाग करने बोलता है उसी से भाग कर देंगे, है ना, मतलब 29 को आप 8 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा, तो 8 × 24, 24 में 5 बच रहा है, तो 5 ही आपका आंसर होगा। लेकिन आप इसको समझना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा नंबर है, बोला किसी संख्या ना, तो किसी संख्या एक संख्या है, ए एक संख्या है,
इसको हम लोग 56 से भाग देते हैं तो भागफल हमें पता नहीं लेकिन शेषफल हमें पता है। और फिर बोल रहा है इसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो इसको हम लोग 8 से भाग दे देते हैं तो ये वाला जो शेषफल बचेगा वही चीज़ आपका क्या बनता है, हमारा ट्रिक बनता है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान सवाल है ना। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या दिया हुआ है, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे क्या दे रखा है ये हमें पता नहीं है। 112, आप देखिए ये दोनों को प्लस करने पे 112 आ रहा है या दोनों को माइनस करने पे 112 आ रहा है, तो 256 में कुछ घटाएंगे तब तो कम आएगा। तो एक ए माइनस बी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये 112 जो है वो ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा डायरेक्ट, यही आपका आंसर है। तो दोनों को जोड़ दीजिए केवल, तो क्या करेंगे यहाँ पे 256 प्लस 144 को जोड़ देंगे, 56 44 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये इधर 300 है 400 के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 400। 250 और 150 कितना हो गया 400 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या बोला है कि इसका x माइनस वन अपॉन x का वैल्यू निकालना है, 4 में दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका डायरेक्ट भी फार्मूला होता है और सिंगल भी होता है। ठीक है, तो यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्वायर में जाइए। स्क्वायर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में जा रहे हैं आप, पावर घट रहे हैं, तो जैसे ही पावर घटते हैं तो होता है एन प्लस टू का रूट, मतलब पावर 4 से पावर 2 में जा रहे हैं, तो ये फार्मूला है। और यहाँ से आप कर सकते हैं कि 322 प्लस 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 324, और 324 किसका स्क्वायर रूट है तो 18 का। अब जब ये 18 का आ गया ये वाला वैल्यू, अब इससे डायरेक्ट आप इसमें जा सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा n माइनस टू का रूट। माइनस में जाएंगे तो माइनस होगा, प्लस में जा रहे थे तो प्लस होगा, पावर यहाँ पे घट रहे थे, देखिए यहाँ पे 4 था तो 2 में आए प्लस हुआ, प्लस में आ रहे थे ना, माइनस में यहाँ पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 माइनस 2 का रूट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या बोला है कि एक्स अंतःखंड है, ठीक है, एक्स का इंटरसेप्ट बताना है आपको। तो बहुत सारे ऐसे सवाल कर चुके हैं हम लोग, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि आपको यहाँ पे 1 बना देना है बराबर के इधर, तो 2 से भाग दे दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 7 माइनस 3 डिवाइड सॉरी y डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए 2/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका यही आएगा, है ना, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7x/2 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3y/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया 1 हो गया। अब बताइए x का इंटरसेप्ट क्या होगा 2/7 होगा, y का इंटरसेप्ट पूछता तो माइनस में आता -2/3 आता, तो ये आपसे पूछ रखा है 2/7। 2/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 बोला कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स एरिया 1944, व्हाट इज द पेरीमीटर, है ना, बोल रखा है कि पैरामीटर क्या होगा, एक रेक्टेंगल है। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल ये JSSC CGL में भी पूछा था और JSSC नगर पालिका वाला एग्ज़ाम में भी।
रेक्टेंगल के बारे में पूछ रखा है, पेरीमीटर पूछा है इसका, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर इसमें है ना, ये 3:8 का रेशियो है, यदि दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा वही ऑप्शन में आंसर आना चाहिए, है ना। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पहले देखिए, एल प्लस बी होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई को जोड़ देंगे और दोनों डबल कर देंगे, फिर देखेंगे ऑप्शन में कौन सा कट रहा है। तो 8 और 3 11, 11 दूना 22। आप देखिए 11 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, तो 8 और 3 11 में 11 चला जाएगा, ये आ रहा है 11 से कट रहा है, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है तो 11 एकम 11 88, ये भी कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। अब तो कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे दोनों, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन कट रहा है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है, तो एरिया आप क्या, आपका क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, आपका एरिया दे रखा है कितना, 1944 दे रखा है, एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 8 * 3 = 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 * 3 = 24, एक्स का स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा 19 = 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको 24 से काट सकते हैं, है ना। चलिए तो 1944 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 4 से या 6 से काट लीजिए इसको, या 12 से काट लीजिए, ठीक है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 19 है आपका, तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 12, 12 * 6 = 72 और 12 * 2 = 24, 12 * 2 = 24, और फिर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 81, 81 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 81 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। अब बस यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एल प्लस बी, तो 11 11 एक्स हो जाएगा आपका पैरामीटर, 11 * 2 = 22x पैरामीटर हो जाएगा 2 × 11x, तो यहाँ पे 11 * 2 = 22 गुने एक्स का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 * 2 = 18 9 * 2 = 18 और 2 = 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 198 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए यहाँ पे यदि ये एक ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन अलग रहता पहला ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते थे ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे ट्रिक नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो ऑप्शन जो है वो 11 से कट रहा था, यदि कोई एक ऑप्शन कटता 11 से तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगा करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18 बोला कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 12 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, ये भी अच्छा सवाल है आपका। इसके साइड्स अलग अलग हैं, 11 12 13, तो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा, वो सब फार्मूला नहीं होगा, हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है सेमी पेरीमीटर, तो सबको जोड़ देते हैं, तो 12 12 और 13 आपका 25 हो गया, 25 और 11 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 / 2 आपका कितना हो गया, 18 हो गया। अब एरिया क्या होता है इसका, तो इसका एरिया होता है आपका √ है ना, s × s - a × s - b × s - c, ये आपका एरिया होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे s हमारा कितना है, 18 है, गुना डायरेक्ट करते जाएंगे तो 18 में एक बार 11 को घटाएंगे, 18 में 12 को घटाएंगे, 18 में 13 को घटाएंगे, तो 18 में 11 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 7, फिर 18 में 12 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 6, और 18 में 13 को घटा रहे हैं तो 5। अब इसको, इसका फैक्टर ले लीजिए कि यहाँ से 6 * 3 = 18 आएगा, तो 6 बाहर आ रहा है, 6 बाहर आ रहा है आपका, और अंदर कितना है, 3 * 7 = 21, 21 * 5 कितना हो जाएगा, 105, तो 6 √ √ 105, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
बस हीरोन्स फार्मूला इसको कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला से आप निकालेंगे जब आपका साइड क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताए थे कि टेन टेन ए इंटू टेन बी का फार्मूला जब भी आएगा तब तो उसका वैल्यू वन होगा, और यहाँ पे दे भी रखा है कि अल्फा बीटा या फिर ए और बी का वैल्यू कितना है, वन है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 90 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का। तो यहाँ पे 2 थीटा + 4 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 के बराबर होगा, होगा या नहीं। 6 थीटा बराबर आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे पूछा है 3 थीटा, तो हम 3 थीटा ले लेते हैं, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब इसको दो बार में कर दिया, 2 × 3 तो 2 से काट देंगे, 45 आ गया। अब दोनों साइड साइड 10 थीटा लगा दीजिए, तो 10 3 थीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था कि ए प्लस बी बराबर आपका 90 होता है, तो ये इसको ए इसको बी मानेंगे तो ये आपका फॉर्मूला में भी क्या होता है, 1 होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 20। ये लास्ट सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल आ गया। बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू √3/2 है, तो हमें निकालना है 2 cosec A + cot A। ठीक है, चलिए cosec A cot A का पूछा है, आप इसके वैल्यू को पलट सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ना ये, तो यहाँ पे देखिए टू पूछा है आपको, कॉसेक पूछा है, तो कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, प्लस कॉट को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर भी बैठा सकते हैं वैल्यू पलट पलट के। तो साइन का वैल्यू पलटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या है, पी है, और ये आपका क्या है, एच है। तो पी बट्टा एच होता है, तो बी आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। ठीक है, ये है आपका √3, ये है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1। आपको बताए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपका ये आपका 60 होता है तो इसके सामने वाला वैल्यू √3 होता है, ये 30 होगा तो इसके सामने वाला वैल्यू 1 होगा, और ये क्या होगा, 2 होगा। तो इसी के कॉन्सेप्ट से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपका पी है 3, बी कितना है आपका, 1 है, तो पी बट्टा बी होता है, तो बी बट्टा पी हो जाएगा, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कॉसेक का याद है, कॉट का याद है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसको भी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, तो 2 × 3√3, और √3 से इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी कि 2√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक पे हम लोग का सवाल ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको जैसा अभी पढ़ाए हैं विथ सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको विदाउट सॉल्यूशन भी मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन के साथ भी PDF मिलेगा और विदाउट सॉल्यूशन वाला PDF मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को या फिर अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल फिर से रात में 9 बजे, है ना। अभी के लिए सभी को गुड नाइट।